हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का वीडियो है हाथों पैरों के सुन्न होने पर हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं या आप रात को सोए हुए होते हैं और मॉर्निंग उठते हैं तो आपको लगता है कि आपके हाथ पैर सुन्न हो चुके हैं, तो मैं आपको ऐसी होम रेमेडी बताऊँगी, ऐसा होम ट्रीटमेंट बताऊँगी जिससे आप इज फील करेंगे और आपका ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। अक्सर जब आप कभी एक ही अवस्था में बैठे होते हैं तो आपके हाथ पैर सूने पड़ जाते हैं, जिसके कारण आपको कभी कोई भी चीज़ को छूने का एहसास मालूम नहीं पड़ता। यही नहीं, इसके अलावा आपको प्रभावित स्थान पर दर्द, कमजोरी या ऐठन भी महसूस होने लगती है। लगभग सभी लोग इस अनुभव का शिकार जरूर होंगे। लगातार हाथों और पैरों पर प्रेशर के अलावा यह सुन्न पड़ना किसी ठंडी चीज़ को बहुत देर तक छूते रहने से, तंत्रिका चोट, बहुत अधिक शराब का सेवन, थकान, धूम्रपान, मधुमेह, एक विटामिन या मैग्नीशियम की कमी आदि से मोस्टली होता है। शरीर के अंग या का सुन्न पड़ जाना एक आम सी समस्या ज़रूर है, लेकिन इसके कई कारण भी हो सकते हैं। अगर यह समस्या कुछ मिनटों तक रहती है तब तो घबराने वाली कोई बात नहीं, लेकिन अगर यही कई कई घंटों तक बनी रहे तो आपको डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता ज़रूर पड़ जाएगी, क्योंकि यह किसी बड़ी बीमारी का लक्षण हो सकता है। हाथ पैर को सुन्न होने से कैसे बचाया जाए, आइए हम बताते हैं। गर्म पानी से सेकें। शरीर का जो भी अंग सुन्न पड़ गया है वह गर्म पानी को बोतल में डालें और सेक दें। इससे वहाँ की रक्त जो संचालन ठीक हो जाएगी। इस टिप की मदद से आपकी मांसपेशियाँ और नसें रिलैक्स होंगी। एक साफ कपड़े को गर्म पानी में 5 मिनट के लिए भिगोकर रखें और फिर उसे प्रभावित जगह को सेकें। आप चाहे तो गर्म पानी के स्नान भी कर सकते हैं। प्राणायाम करना ना भूलें। प्राणायाम एक्सरसाइज करने से शरीर के में जो ब्लड सर्कुलेशन है उसकी तेजी होती है और सुन्न वाली जगह पर जो है एक्सरसाइज की मात्रा भी बढ़ जाती है। जिन लोगों को अक्सर सुन्न होने की शिकायत रहती है उन्हें पैरों का 15 मिनट प्राणायाम जरूर करना चाहिए। इसके अलावा हफ्ते में 5 दिन के लिए 30 मिनट एरोबिक्स करें, जिससे आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। मसाज सबसे अच्छा ऑपरेशन है दोस्तों। जब कभी आप पैर सुन्न हो जाएं तब उन्हें मसाज देना शुरू कर दीजिए, आपका जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं हल्दी और दूध की, घर के खाने में प्रयोग होने वाला हल्दी में ऐसे तत्व मौजूद होते हैं जो आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं और साथ ही ये सूजन, दर्द और परेशानियों को भी कम करते हैं। एक गिलास दूध में 1 चम्मच हल्दी मिक्स करके हल्की आंच पर पकाना शुरू करें। आप चाहें तो इसमें हल्दी भी मिला सकते हैं। इसे पीने से आपको काफ़ी राहत मिलेगी। आप हल्दी और पानी के पेस्ट से प्रभावित स्थान की मसाज भी कर सकते हैं। दालचीनी का प्रयोग करें। दालचीनी में केमिकल्स और न्यूट्रिएंट्स दोनों ही मौजूद होते हैं जो हाथ और पैरों के ब्लड फ्लो को बढ़ाते हैं। एक्स ऑफ्ट बताता है कि रोज़ाना 2 से 4 ग्राम दालचीनी पाउडर को लेने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। इसको लेने का अच्छा तरीका है कि 1 गिलास गर्म पानी में 1 चम्मच दालचीनी पाउडर मिलाएं और दिन में 1 बार जरूर पिएं। दूसरा तरीका है कि 1 चम्मच दालचीनी में शहद मिलाकर भी आप सुबह कुछ दिनों तक सेवन कर सकते हैं। मैग्नीशियम का सेवन जरूर करें। हरी पत्तेदार सब्जियां, मेवे, बीज, ऑटमील, पिंट बटर और ठंडे पानी की मछलियाँ, सोयाबीन, अवाकाडो, केला, डार्क चॉकलेट्स और लो फैट दही आदि ज़रूर खाएं। आप रोज़ाना मैग्नीशियम 350 mg की सल्प लिमिट भी ले सकती हैं, पर इस बारे में डॉक्टर से ज़रूर बात कर लें। विटामिन बी फूड को डाइट में ज़रूर शामिल करें। अगर हाथ पैरों में जलन लग रही है आपको तो आपने आहार में ढेर सारे विटामिन बी, बी6 और बी
12 को शामिल ज़रूर करें। इनके कमी से भी हाथ पैर जो हैं वो भी सुन्न हो जाते हैं। आपको अपने आहार में ठंडे और अवाकाड मीट जो है, केला, बीज, मछली, ऑटमील, दूध, ये दही और मेवे बीज, ये सब जो है ये शामिल ज़रूर करने चाहिए। आपका प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरी नई वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुंच सके। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय, टेक केयर।